हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट fill in the blanks with correct preposition. So first I am telling you what are prepositions. So let's start and don't waste the time. Fill in the blanks. Okay, उससे पहले मैं आपको बता दूँ प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशन शो अस रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वर्ड्स इन फ्रेज इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। प्रीपोजिशंस हमेशा रिलेशनशिप्स शो करते हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के बीच में, ठीक है बेटा। और दूसरी बात, ये सेंटेंस या फ्रेजेस के बीच में भी रिलेशनशिप शो करते हैं कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन द बॉक्स, यू मे हैव टू रिपीट सम ऑफ द प्रीपोजिशंस। ओके, सो प्लीज पास दिस बुक डैश द गर्ल सिटिंग इन फ्रंट। तो बोला जा रहा है कि कृपया इस बुक को पास कर दीजिए वो लड़की के पास, उनकी ओर जो ये मेरे सामने बैठी है। मतलब किसकी ओर? तो इसके लिए बेटा ओर के लिए क्या लगता है? टू, ठीक है, टी ओ टू। तो यू कैन फिल हियर टू, टी ओ टू, विच वन? ये टी ओ टू यहाँ पर फिल करोगे। इसके बाद आई लाइक ईटिंग बिस्किट्स, आई लाइक ईटिंग बिस्किट्स, I like eating biscuits with tea. I like eating biscuits with tea. उसके बाद नंबर थ्री, the little girls looks dash her baby brother so well. The little girls look after her baby brother so well. The horse jumped dash the fence. The horse jumped dash the fence. तो बेटा jump कर रहा है horse fence के ऊपर से, तो ये होगा over, ठीक है, over the fence. उसके बाद meet me dash the coffee shop. Meet me at the coffee shop. क्या? At the coffee shop. यहाँ पे क्या fill करोगे? At the coffee shop. We have been invited for dinner. We have been invited for dinner. For dinner, ठीक है, ये वाला बेटा। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। तो आपने इन सब से क्या सीखा कि ये एक सेंटेंस, एक वर्ड से सेंटेंस का रिलेशन पता चलता है कि इस और ये, मतलब ये जो पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर जो फर्स्ट ऑफ द पार्ट है और जो एंड ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का, उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ये प्रीपोजिशन ही डिसाइड करता है। आपको समझ में आया ना? तो ठीक है, फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि क्या कहाँ फिल करना है। ओके बच्चों, प्लीज पास दिस बुक टू गर्ल इन फ्रंट, टू द गर्ल इन फ्रंट। ओके, उसके बाद आई लाइक ईटिंग बिस्किट्स विद टी, यहाँ पे क्या लिखोगे? विद, डब्ल्यू आई टी एच, विद टी, ठीक है। उसके बाद द लिटिल गर्ल लुक्स आफ्टर, आफ्टर की स्पेलिंग ये है, लुक्स आफ्टर हर बेबी ब्रदर सो वेल। उसके बाद द हॉर्स जंप्ड डैश द फेंस, तो द हॉर्स जंप्स ओवर द फेंस। उसके बाद बेटा मीट मी डैश द कॉफ़ी शॉप, मीट मी एट द कॉफ़ी शॉप, मीट मी एट द कॉफ़ी शॉप। उसके बाद वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, फॉर एफ ओ आर, इनवाइटेड फॉर डिनर। ओके, हो गया आपको क्लियर?
तो आपको ये फिल करके मेरे को भेज देना है. यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज एंड सेंड मी वेरी फास्ट. ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू. और वन थिंग मोर, इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेंशन योर नेम इन योर कमेंट सेक्शन. बी सेफ, बी हेल्दी ऑल ऑफ यू.